पर शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया। बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो फाइनली दोस्तों, आज के दिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मस्ट अवेटेड मूवी बेल बॉटम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी शानदार नजर आ रहा है। जहां एक तरफ एक्शन ही एक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार के साथ सभी कलाकारों की एक्टिंग भी सभी को दीवाना बना रही है। बताना चाहेंगे दोस्तों, इस मूवी को अक्षय कुमार एक स्पाई का किरदार निभाते नजर आएंगे, जहां सभी कलाकार उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इस मूवी का इंतजार फैंस पिछले साल से कर रहे थे, पर लॉकडाउन और कोरोना के वजह से मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती जा रही थी। पर अब फाइनली आज के दिन इस मूवी का ट्रेलर को देखने के बाद से सभी के कंफर्म हो गया है कि ये मूवी 19 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। आपको बताए दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है रंजीत एम तिवारी ने। मूवी के लीड में दोस्तों आपको सुपर स्टार अक्षय कुमार सर के अलावा ब्यूटीफुल वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी नजर आने वाली है। और एक बार फिर से अक्षय कुमार सुपर स्टार एक रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं इस मूवी को दोस्तों जेके भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बताते चले दोस्तों, इस मूवी का बजट 150 करोड़ का है। इस मूवी को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है। ये मूवी अपने पहले दिन लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा ओपनिंग कर सकती है। अक्षय कुमार सुपर स्टार एक बार फिर से बेहतरीन एक्शन करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, इस बार जो उनकी मूवी है वो 3D में रिलीज होने वाली है, यानी कि दोस्तों आपको बड़ी स्क्रीन पर अब बॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ी मूवी देखने को मिलने वाली है, वो है सुपर स्टार अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम। आपको क्या लगता दोस्तों, अक्षय कुमार की ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाएगी, और क्या पिछली फिल्मों की तरह दोस्तों ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर 150 से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बेल बॉटम का ये एक्शन भरा ट्रेलर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसे फिल्म न्यूज सुनने के लिए अपने चैनल फिल्म इनको सब्सक्राइब जरूर।